हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस बार मैं आ गई हूँ धनीराम कुल्फी एंड चाट वाले। मेन इनका आउटलेट तो चांदनी चौक का है, लेकिन अभी मैं गीता कॉलोनी वाली ब्रांच पर हूँ इनकी। यहाँ की रोलर कुल्फी, जिसे खुरचन आइसक्रीम भी कहते हैं, वो बहुत फेमस है। तो इनका मैं आज आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी वो कैसे बनती है। तो अब देखते हैं। पहले तो ये इस बड़े से जाइंट व्हील के अंदर बहुत सारी बर्फ़ डालते हैं और बहुत सारा नमक डालते हैं ताकि वो फ्रीज हो जाए, और साथ साथ नमक इसलिए डालते हैं ताकि आइस मेल्ट ना हो पाए। तो अब ये रेडी हो गया व्हील, अब पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा वो देखते हैं। रबड़ी है, रबड़ी और क्रीम को भेज। ये होममेड रबड़ी है, होममेड रबड़ी है। ये देखिए इनकी रबड़ी की शक्ल, काफ़ी थिक एंड डार्क लग रही है और बहुत टेस्टी सी भी दिख रही है। और इसकी लेयर पहले रोलर आइसक्रीम पर जा रही है, और उसके बाद एक एक फ्रूट की लेयर आएगी, फिर रबड़ी की लेयर आएगी, फिर फ्रूट की आएगी। ऐसे कर करके इनका प्रोसेस चलेगा। और ये वाले फ्रूट्स से सारे जो इस आइसक्रीम पर जाएंगे, वैसे तो ये सीजनल फ्रूट्स ही यूज़ करते हैं, चेंज होते रहते हैं। अब फ्रूट्स की लेयर स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले पपाया की है, और ऐसे पपाया की कोटिंग करेंगे एक लेयर की। पहले मुझे ऐसा लगता था कि इस रोलर आइसक्रीम में फ्रूट्स के एसेंस यूज़ करते हैं, सिरप्स यूज़ करते हैं, बट धनीराम जी की यहाँ मैंने अभी 3-4 दिन पहले आइसक्रीम खाई थी, तभी मैं यहाँ आई हूँ दोबारा। तो मैंने इनके यहाँ देखा कि ये रियल फ्रूट्स की कोटिंग करते हैं, वही यूज़ करते हैं। एसेंस भी होते हैं बट कम।
आइसक्रीम कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है सारी लेयर्स के साथ। इस तरह से खुरच खुरच के आइसक्रीम को निकालते हैं और ऐसे ये सर्व होती है। इसे वैसे कैसे क्या कहते हैं, खुर्चन आइसक्रीम? तो ये मेरी वाली आइसक्रीम मेरे हाथ में आ चुकी है, ये देखिए लग रही है ना यमी सी। तो ये है सामने गीता कॉलोनी का रामीला ग्राउंड और उसके जस्ट अपोजिट साइड पर है धनी राम कुल्फी एंड चाट चांदनी चौक वाले। सो गाइस आज के लिए इतना ही, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वाला वीडियो कैसा लगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टाटा।